tout faire bouger la tête. Hello, welcome to my channel. It's me, Gurudulan. और आज की वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन से ट्रीटमेंट करने वाले हैं. जी हाँ, तो हम आज नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट करने वाले हैं जो कि सूटेबल है ड्राई और डैमेज हेयर के लिए. इसमें मौजूद है होहोबा ऑयल और सिल्क प्रोटीन्स जो कि आपके बालों को बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी. इसके लिए आपको चाहिए ट्रीटमेंट कंडीशनर और एंटी फ्रिज सीरम. हमने अपने क्लाइंट के बालों को अच्छी तरह शैम्पू से वॉश करवा लिया है. अब हम अपने बालों में अच्छी तरीके से ब्रश कर देंगे ताकि कोई टैंगल्स वगैरह निकल जाएं. अच्छी तरह ब्रश करने के बाद हम अपने क्लाइंट के बालों में पार्टिंग्स कर लेंगे हम लेयर बाय लेयर इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करेंगे. ट्रीटमेंट करते हुए कंडीशनर का ये ख्याल रखिए कि आपका कंडीशनर आपके स्कैल्प और रूट्स में टच ना हो, क्योंकि रूट्स एक ख़ास किस्म का नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो कि सीबम कहलाता है. उस सीबम पे अगर ये कंडीशनर लग जाता है तो सीबम का जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ता है, जिससे हमारे बाल बहुत ही ड्राई और डैमेज हो जाते हैं और प्रॉपरली नरिश नहीं हो पाते. कंडीशनर को हमेशा लेंथ और एंड्स पर लगाना चाहिए और इस तरीके से फोल्ड अप करना चाहिए. इस जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से करना चाहिए ताकि आपके बालों में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए. कंडीशनर को 5 मिनट्स के बाद आराम से आप वॉश करवा सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने हैं. बहुत ही सिल्की, स्मूथ और बाल हो जाते हैं. आपको कंडीशनर को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है वरना आपके बाल ग्रीसी और डैमेज नज़र आएंगे. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में. टिल देन टेक केयर.